हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप यहाँ पर देखिए, हमारे सामने एक ऐसे प्रॉब्लम आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक केटल है, तो इसका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा अलग प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक केटल को मैं यहाँ पे आप लोगों को सप्लाई देकर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्ट्रिक केटल में, तो आपको मैं यहाँ पर सप्लाई देकर आप लोगों को दिखा देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखिए मैंने इलेक्ट्रिक केटल को मैं यहाँ पे सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए आपके सामने। तो इस इलेक्ट्रिक केटल में कौन सी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से स्विच को ऑन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक केटल में हमारा देखिए इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एम्पियर मीटर है वो यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 0 एम्पियर ले रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक केटल का जो एलिमेंट है वो हमारा 1500 वाट की, तो हमारा यहाँ पर कम से कम हमारा 5 से 6 एम्पियर तक लेना चाहिए हमारा, लेकिन हमारा यहाँ पर देखिए 0 एम्पियर शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हमारा इंडिकेटर भी शो कर रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट है वो हमारा हीट नहीं हो रहा। क्यों हीट नहीं हो रहा, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से पहले हम सप्लाई को यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। तो आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, जो इंडिकेटर है वो ग्लो कर रहा है फिर भी हमारा जो पानी है वो उगल नहीं रहा है, तो हम किस चीज़ को पहले टेस्ट करेंगे? तो आप यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर पहले सीरीज वायर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं सीरीज वायर लिया। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर मेन सप्लाई में मतलब हम सीरीज़ में यहाँ पे लाइन को टेस्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे मैं देखा जाता हूँ अच्छे से, यहाँ पर जो अब देखिए यहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट है देखिए इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पर टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा सिर्फ जो इंडिकेटर है आप देखिए यह हमारा ग्लो हो रहा है, ये देखिए हमारा सीरीज बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट लगा है, यह जो एलिमेंट है आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो पूरा एलिमेंट है वो हमारा ख़राब है। तो इस एलिमेंट को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो इसका प्राइस के लगभग, तो इसको हम ये जो इलेक्ट्रिक केटल है इसको हम फेंक देंगे, दूसरे इलेक्ट्रिक केटल को उपयोग करेंगे। इसका जो एलिमेंट है उसका प्राइस के मुताबिक हम इसको नया भी खरीद सकते हैं। इसके लिए हम दूसरे इलेक्ट्रिक केटल का उपयोग करेंगे, इसको हम फेंक देंगे। तो आज का छोटा सा वीडियो था। तो आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इंडिकेटर ग्लो हो रहा है लेकिन पानी उगल नहीं रहा, तो आप आ रहा जो हीटिंग एलिमेंट है वो ख़राब होगा। तो चलिए आज के छोटा सा वीडियो था, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।